ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद। अहमद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ, क्योंकि आपके नेम में दो दफ़ा लिखा है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने अहमद अहमद बोला, क्योंकि आपने हर एक पोस्ट पर, हर एक वीडियो पर, हर यूट्यूब पर भी आपने मतलब वीडियो में कमेंट्स किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो देखो क्वेश्चन बहुत आउटस्टैंडिंग है, और क्वेश्चन से लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। मतलब गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्लास में क्वेश्चन किया था कि अल्कोहल एसिड एक बेस है, तो मैंने उसे बोला कि दुनिया में एसिड बेस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। HCl एसिड एक बेस है, आप लोग मतलब मेरे को तो रेफरेंस देना, वाटर के कंपैरिजन में बात कर रहे हो या H2SO4 के कंपैरिजन में बात कर रहे हो। HCl एसिड है लेकिन वाटर के कंपैरिजन में, H2SO4 के कंपैरिजन में वो बेस बन जाता है। HNO3 नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में मैंने किया, जो आप लोग के पास क्या जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पर HNO3 इज अ बेस काम करता था कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू H2SO4, ठीक है। तो ये तो रिलेटिव टर्म है, आप किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हो। तो मैंने अब बोला कि आप किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हो, तो वो बैठ गया कि सर मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अगर आप बोलते हो HCl एसिड है तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री में ये माना जाता है कि ये वाटर की कंपैरिजन में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर रेफरेंस चेंज कर दिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और मामले में गड़ को बड़ ज़रूर होता है, ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में स्पेशली। ओके, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ एलिमेंट और एटम में, ठीक है। एलिमेंट जो आप लोग अगर डेविड गिलबर्ट की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री देखते हो तो उसमें एक सिंपल डिफिनेशन लिखा है कि एलिमेंट्स व्हाट, एलिमेंट्स आप लोग के पास होता है या इट इज़ अ पेवर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स इज अ पेवर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट, या उसमें लिखा गया है विच इज़ मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है, जो वन काइंड ऑफ एटम से बनता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर लेट सपोज आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास कार्बन है, जब आप लोग क्या पढ़ते थे क्लास 10 में थे तो आप लोग क्या पढ़ते थे, सोडियम है, आप लोग के पास क्या है, पोटाशियम है, लिथियम है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है। तो अगर कार्बन को मैं डिवाइड करते जाऊँ तो इसका इससे सिंपलर सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। तो ये नहीं कि इससे क्या बनेगा आप लोगों के पास मतलब लिथियम या हाइड्रोजन बन जाए, ठीक है। कंपाउंड में अदर सब्सटेंसेस आप लोगों के पास बन सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कार्बन को डिवाइड करते हो तो ये आपके पास कार्बन में ही कन्वर्ट होगा, अदर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या है, H2 है, आप लोगों के पास क्या है, P4 है, आप लोगों के पास क्या है, S8 है, ठीक है, आप लोगों के पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है एलिमेंटल फॉर्म, क्या, एलिमेंटल फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये आप अदर सब्सटेंसेस में क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, या ना हो कि मैं S8 को डिवाइड करते जाऊँ और मेरे साथ कार्बन बन जाए, नहीं, आप लोग इसे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 8S में, 4C में, ठीक है, 2H में, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या है, एलिमेंट, एवरी एलिमेंटल फॉर्म इज नॉट एटॉमिक फॉर्म, एंड एवरी एटॉमिक फॉर्म इज नॉट क्या, इज नॉट, एवरी एलिमेंटल फॉर्म इज नॉट एटॉमिक फॉर्म, एंड एवरी एटॉमिक फॉर्म इज नॉट एलिमेंटल फॉर्म। लेकिन हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीना की केस में आप लोगों को मतलब कुछ मिलता है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर H2 आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये आप अदर सिंपलर सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, ऐसा ना हो कि आप इससे मतलब कोई और सब्सटेंस बनाए, नहीं, आप लोग के पास एटॉमिक फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकता है। अब एटम और आप लोग के पास मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो देखो एटम आप लोग के पास क्या करता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। आप लोग के पास जो पीरियडिक टेबल में गिवन होता है तो वो एटॉमिक मासेस होते हैं, उस मीन के वो आप लोग के पास किसके मास है, वो एटम्स के मास है। व्हाट इज एटॉमिक मास, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, आप लोग के पास जो वन मॉलिक्यूल का मास होता है उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। आप सिंपल मतलब केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्या करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोटियम है तो प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सिंपल बोलो ना, केमिस्ट्री है भाई, जितना सिंपल करते जाओ उतना मतलब मजा करता है, ठीक है।
तो आप ऐसे सोचते जाइए, तो आपको तो अगर लेट सपोज मैं एच टू की बात करूं, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है, ओ टू है, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है और भी, मतलब जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे तो वो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये आप लोगों के पास एलिमेंटल फॉर्म भी है। लेकिन अगर मैं एच टू ओ की बात करूँ, अब ये मॉलिक्यूल तो है क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये आप क्या कर सकते हो, मोर देन वन सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हो, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इट्स वाई ये आप लोगों के पास एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, C6 है, H12 है, O6 है, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये आपसे वो क्या कर सकते हो, मोर देन वन सब्सटेंस कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर सकते हो, आप लोग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, एलिमेंटल फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म, मतलब आप डिफरेंस का पता चला कि एलिमेंट क्या होता है, जो आप मोर देन वन सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं H2 को क्या करूँ, डिवाइड करूँ तो ये ऐसा ना हो, या P4 को करूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई और सब्सटेंस बन जाए, ठीक है, फास्फोरस ही बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन आप लोग के पास वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, हमारा क्या होता है ये तो हर किसी को पता होता है, हम जब BS में होते थे तो 4th-5th सेमेस्टर का पेपर होता था, स्टूडेंट क्या करते थे, उसके लिए FSC के कोर्स को देखते थे कि बस होता है, मतलब पेपर सॉल्व हो जाता है उससे, तो फिर आप FSC तक ही लिमिटेड हुए ना, ठीक है। तो डेट्स वाई तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में लेट सपोज कोई बोले कि मैं एक बॉडी को अपवर्ड मतलब थ्रो करता हूँ, डेटा गिवन है, ये नीचे आता कब आएगा, मतलब कितने टाइम में आएगा, तो पहले तो आप ये कंफर्म करें कि उसने एस्केप वेलोसिटी दिया तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेट करते जाओ और बॉडी क्या हो, ग्रेविटेशन फील्ड से भी ऊपर हो, मतलब बाहर हो, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, आप लोग के पास ये क्या है, H2 क्या है, H2 आप लोग के पास एलिमेंट है, ठीक है, आप लोग के पास P4 क्या है, लेकिन ये इसके एलिमेंटल फॉर्म है, क्योंकि ये आप S8 से कार्बन हाइड्रोजन नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है, S8S, ये इसका एटॉमिक फॉर्म है, इसका क्या, कौन सा फॉर्म आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आप लोग के पास एटॉमिक, व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और एटम का हम डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये देखो केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में हम अलग, देखो मैंने स्टोशियोमेट्री जब स्टार्ट की तो स्टूडेंट ने मैंने डिफिनेशन किया कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस इन विच रिएक्शंस रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में चला गया तो वहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शन का एक डिफिनेशन किया, जब रिवर्सिबल केस पढ़ा रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर आपने चैप्टर 1 में ऐसा बोला था, तो देखो हर एक कंडीशन के मुताबिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का एक अपना डिफिनेशन होता है, ठीक है। तो आपने मतलब ये तो नहीं कि बस आपने एक पढ़ा बस आप लिमिटेड, नो अपने आपको मतलब ये केमिस्ट्री है, ठीक है, इसलिए बोलता है कि जब आपने क्या बोला, न्यूटन ने जो से मतलब नीचे गिरा था, ठीक है, तो केमिस्ट्री में वो ऊपर भी जा सकता है, ये तो एक चैप्टर में नीचे गिरेगा दूसरे चैप्टर में कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम, ठीक है। तो ये इसका ये एलिमेंट है, इसका ये एटॉमिक फॉर्म है, एलिमेंट को आप एटॉमिक फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको 4p इसको 8 इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एलिमेंट को आप मोर देन डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड को आप डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन H2SO4, अब ये दोनों मॉलिक्यूल है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म तो नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपका अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। थैंक यू, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है।